हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ऑफ BSDC की ट्रेनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि हाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस ढंग से किया गया है, उनके मूलभूत आधार क्या है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आगे के क्लासेस। यह हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप सारी जानकारी को खोज सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे की क्लास में कि कैसे जानेंगे किस तरीके से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन किस तरीके, किस आधार पे कंप्यूटर का टाइप को, उनके प्रकार को बांटा गया है। लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के तीन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी इनको बांटा गया है तीन आधार पे। वो तीन आधार कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कार्य प्रणाली के आधार पर यानी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन इट्स पर्पस, यानी उनके कार्य के हिसाब से, उनके पर्पस के आधार पे हम उनका वर्गीकरण किए हैं। और तीसरा आधार जो है हमारा, उनके आकार यानी उनके साइज, बेस्ड ऑन इट्स साइज के आधार पे हम किए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये कुछ डायग्राम है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला है टाइप के आधार पे, दूसरा है साइज के हिसाब से, और तीसरा है उसका जो पर्पस के हिसाब से। तो टाइप्स के अनुसार से एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, और हमारा साइज के हिसाब से चलते हैं तो मुख्यतः चार टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होते हैं सुपर कंप्यूटर, के बाद मेन होते हैं मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, और हमारा चौथा होता है मैक्रो कंप्यूटर जो आजकल हम यूज करते हैं। मैक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा गया, पीसी के रूप में कहा गया। चलिए बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से हमारा दो टाइप्स होते हैं। पहला जनरल पर्पस और दूसरा है हमारा स्पेशल पर्पस। तो आगे चलते हैं कार्य प्रणाली के आधार पे यानी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। कार्य प्रणाली के आधार पे तीन भागों में बांटा गया। पहला एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड में वर्गीकृत किया गया है, उसको बांटा गया। तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर होते क्या हैं वो देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, लेंथ, ऊंचाई इत्यादि को माप कर उन्हें परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि को परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। ये हमारा थर्मामीटर भी है, इनको भी कंप्यूटर के रूप में ही वर्गीकृत किया गया जो कि एनालॉग के रूप में है। एनालॉग कंप्यूटर को मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं को अधिक उपयोग होता है। उदाहरणतः एक पेट्रोल पंप में लगाया गया कंप्यूटर पंप में से निकले पेट्रोल की मात्रा को दर्शाता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना कर स्क्रीन पर हमें दिखाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमने कितनी मात्रा में पेट्रोल या डीजल खरीदे और उनकी कीमत क्या है। दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होते हैं, डिजिटल का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों को गणना करता है। सिंपली हम जानते हैं कि वैसा कंप्यूटर जो अंकों को मापे, मेजर करे, वो क्या कहलाता है, डिजिटली कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों जो व्यापक चलाते हैं, घर पर बजट तैयार करते हैं और प्रकार के कंप्यूटर भी चीज़ों को गणना करते हैं। हाउ मैनी यानी
मात्रा में कितना आधार पर प्रश्न कर उत्तर देता है। जैसे ये हमारा डिजिटली क्लॉक भी जो है हमारे कंप्यूटर के रूप में ही आएंगे। तीसरा हमारा जो बेस्ड ऑन है मैकेनिज्म यानी कार्य प्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर है वो तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है दोस्तों अनेक गुणों वाला धर्म यानी अनेक गुणों वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों की गुण हो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में होता है और वो क्या करता है एक मात्रा के रूप में मतलब जो पेट्रोल और डीजल को मात्रा को गणना करता है। दूसरा हमारे डिजिटली रूप से स्क्रीन पर दिखाता है कि हमने कितनी मात्रा में पेट्रोल का मेजर हुआ है और उनकी कीमत क्या है। अब चलते हैं उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण दोस्तों यानी बेस्ड ऑन इट्स पर्पस। कंप्यूटर के उद्देश्य के आधार पे दो भागों में स्पेशली में बांटा गया है। पहला है स्पेशल पर्पस और दूसरा है जनरल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस के बारे में जानते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यात्रा नियम, कृषि विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि के बारे में गणना करना। दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्यतः कार्य हेतु जैसे लेटर तैयार करना, दस्तावेजों को तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट इत्यादि निकालना के लिए किया जाता है। तो आगे चलते हैं हम आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण। हम जनरली सबसे जानते हैं उनके कंप्यूटर के आकार के हिसाब से ही हम कंप्यूटर का वर्गीकरण किए हैं। इनसे पहले क्लास में भी हम लोग जो इनका कॉन्सेप्ट को जाना है हमने ये भी बताया था कि कंप्यूटर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बताया था मैंने सुपर कंप्यूटर, दूसरा बताया था मैंने मिनी कंप्यूटर और तीसरा बताया था मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे फाइनल जो इम्पोर्टेंट तो प्रकार होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ये हमने क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है और करने वाले होते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे अधिक गति वाला कंप्यूटर एवं अधिक कीमतों के लिए होता है। अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर है। इसमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल एक से अधिक सीपीयू लगाए होते हैं। वे एक से अधिक व्यक्ति के साथ कार्य कर सकता है। हम सिंपल पहले हमारा जो कंप्यूटर है हम सिंगली हैंड करते हैं बट ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इसलिए है क्योंकि यह एक से भी अधिक लोगों के साथ कार्य करता है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे दामों में होता है और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। ये कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इसको और हमारा गवर्नमेंट जो है इसको यूज़ करते हैं। तो चले देखते हैं सुपर कंप्यूटर में देखने में कैसे होते हैं। तो देखिए सुपर कंप्यूटर किस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है। एक बड़े बड़े बिल्डिंग के आकार का भी ये कंप्यूटर होते हैं। है ना मजेदार। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों क्या हम जानते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। जी हाँ बिल्कुल भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था जिसका नाम परम 8000 है और ये IBM के द्वारा बनाया गया।
आकार के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन साइज, कंप्यूटर के आकार के आधार पे हम विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। तो जानते ही है दोस्तों, हमने सुपर कंप्यूटर तो जान गया, अब हम जानते हैं मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति एवं क्षमता वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसमें अत्यधिक मात्रा में डेटा को तीव्रता के साथ प्रोसेस करते हैं, इसलिए इनको उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक सेक्टर में किए जाते हैं। रेलवे के जो टिकट हम बुकिंग करते हैं वो कौन से कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है दोस्तों? ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है, जिसे बड़े बड़े डाटा को हम रखते हैं। तो वो किस तरीके के कंप्यूटर के यूज़ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, बिल्कुल सही। ये देखिए मेन हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो दिखने में कैसे होता है वो देख लीजिए, और ये किस तरीके से हमें ये मैनेज करता है। जैसे बिल्कुल हम एक इंटरनेट पे कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं, तो एक बड़े सर्वर होते हैं ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पे हमारे सारा डेटा होता है, हम वहीं से कम्युनिकेट करते हैं। तो बड़े बड़े फाइलें होते हैं, हम देख सकते हैं इंटरनेट पे किस तरीके से हम अपने साइट ब्राउज करते हैं। तो देखिए यही है एक डायग्राम जो हमें ये दिखाता है कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर एक क्लाइंट्स के द्वारा कैसे मैनेज किया जाता है। चलते हैं हम आगे की तरफ। सॉरी दोस्तों, आकार के आधार पर तीसरा जो कंप्यूटर होता है वो दोस्तों है मिनी कंप्यूटर। चलिए जानते हैं मिनी कंप्यूटर होते क्या है। मैक्रो कंप्यूटर से कुछ गति अधिक मेमोरी वाला कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाता है। इसमें एक सीपीयू हो सकता है, ये मैक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए, आरक्षण प्रणाली एवं बैंकिंग सेक्टर के आदियों के लिए भी किया जाता है दोस्तों। देखिए ये मैक्रो मिनी कंप्यूटर किस तरीके से दिखते हैं। यह मिनी पर कंप्यूटर का कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो चौथा टाइप है वो होता है मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर जो आज जो हम यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर के टाइप है? वो मैक्रो कंप्यूटर टाइप है, ठीक है। इसमें इस कंप्यूटर को मैक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा गया है। पहला, कंप्यूटर में मैक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, और दूसरा कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटी होती है, यानी माइक्रो होती है, मतलब सूक्ष्म होती है, आकार में इतना छोटा होता है कि इसको हम एक स्टडी टेबल तथा एक ब्रीफकेस में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं। यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य करते हैं। इसकी कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होते हैं, परंतु इसका आकार इनकी तुलना में कम होते हैं। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मैक्रो कंप्यूटर में जो आते हैं वो है, पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, चौथा तीसरा टैबलेट, चौथा स्मार्टफोन, पांचवा पीडीए, और हमारा जो छठा अभी नवीनीकरण में जो नवीनतम जो इनोवेशन हुआ है वो है स्मार्ट वॉच। आकारों के आधार पे जो होते हैं वो है कुछ एग्जांपल जो हम माइक्रो कंप्यूटर का देखेंगे। वो पहला हमने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, और पीडीए है। चलो वो देखने में कैसे होते हैं वो देखते हैं।
ये है डेस्कटॉप, ये हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट, स्मार्टफोन जो हम जानते हैं इससे तो बहुत खूब ही हम इसे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मार्टफोन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया हमारे इस समय में। स्मार्ट वॉच भी हमारा एक नया रूप लेते चला गया हमारे कंप्यूटर की दुनिया में। कुछ हमारा सरल सारांश शॉर्ट समरी है इस प्रकार है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।